ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंतर्गत हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट, क्रियाशील मध्यवर्ती, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड एराइंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसी भी अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य अभिकारक से उत्पाद का बनना होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना होता है। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में रिएक्टेंट क्रियाकारक में मुख्यतः चार प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं और जिसके आधार पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस को चार प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है एडिशन रिएक्शन, जिसमें क्रियाकारक या रिएक्टेंट अणु के साथ किसी परमाणु या अणु का योग होता है, एडिशन होता है और उत्पाद का निर्माण होता है, वह अभिक्रिया एडिशन रिएक्शंस या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती है। दूसरा प्रकार है विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन, जब किसी रिएक्टेंट अणु में से किसी परमाणु या समूह के निष्कासन से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या कहलाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीसरा प्रकार है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी क्रियाकारक की किसी परमाणु या मूलक के प्रतिस्थापन के साथ कोई अन्य परमाणु या अणु जुड़ जाए, अर्थात एक अणु की जगह दूसरा अणु या परमाणु आ जाए, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चौथा प्रकार है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं, जब क्रियाकारक और उत्पाद की संरचनाओं में सिर्फ परमाणुओं की स्थिति, परमाणुओं के पोजीशन में केवल परिवर्तन होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहलाती है। इन चारों प्रकार की रिएक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार है आपका, वो है योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शंस। वे कार्बनिक रिएक्शंस या ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिसमें किसी असंतृप्त अणु पर विभिन्न परमाणु या अणु का विभिन्न परमाणु या समूह का योग होकर संतृप्त यौगिक प्राप्त होते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पर किसी परमाणु या समूह का एडिशन होता है तो हमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं और वो रिएक्शंस क्या कहलाती है, योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन कहलाती हैं। ये एडिशन रिएक्शन है जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की एक करैक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है। इसमें रिएक्शन के दौरान या एडिशन रिएक्शन के दौरान कई परिवर्तन होते हैं, जैसे पहला परिवर्तन, इसमें एडिशन रिएक्शन के दौरान एक पाई बॉन्ड टूटकर दो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा, कार्बन का संकरण sp या sp2, जैसा आप जानते हैं कि अनसैचुरेटेड में कंपाउंड्स में sp या sp2 होता है कार्बन का संकरण, और वो परिवर्तित होकर sp3 हो जाता है। तीसरा, जब संकरण बदल गया तो उसकी ज्यामिति भी बदल जाती है, अतः कार्बन की ज्यामिति रेखीय या समतले त्रिकोण से परिवर्तित होकर चतुष्फलकीय हो जाती है। और लास्ट जो परिवर्तन होता है, जब ज्यामिति बदल जाएगी तो उसका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के मान में भी परिवर्तन हो जाते हैं।
अभिकर्मकों की प्रकृति के रिएजेंट्स के नेचर के आधार पर एडिशन रिएक्शन निम्न प्रकार की हो सकती हैं। पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और तीसरा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। पहला जो टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक अभिक्रिया। ये युगात्मक अभिक्रिया है जिसमें वेग निर्धारण पद में वेग डिटर्मिनिंग स्टेप में, अर्थात धीमा जो पद होता है, स्लो स्टेप होता है, उस पद में किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का योग होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का एडिशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं के प्रथम पद में एक मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है। ये दो पद में होती हैं। पहले पद में रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। यह पद बहुत ही धीमा पद होता है, यह धीमे पद से संपन्न होती है, इसलिए यह पद वेग निर्धारक होता है। इस पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के दूसरा पद जो कि बहुत तेजी से संपन्न होता है, अभिकर्मक का रिएजेंट का दूसरा भाग अर्थात नाभिक स्नेही भाग आकर जुड़ता है। इस प्रकार अनसैचुरेटेड कंपाउंड असंतृप्त यौगिक से संतृप्त यौगिक प्राप्त होता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और वो लूजली बाउंड होते हैं, बहुत ही हल्के बंधे हुए होते हैं। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। अतः अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, एक लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक लुईस एसिड की तरह पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ एडिशन प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को, एडिशन रिएक्शंस को एक निम्न एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कार्बो एक एल्कीन कार्बन कार्बन द्विबंध पर एक अभिकर्मक Y प्लस और W माइनस का एडिशन हो रहा है। जब अभिकर्मक Y प्लस W माइनस का योग कार्बन कार्बन द्विबंध पे होता है तो अभिक्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है, दो स्टेप में पूर्ण होती है। पहले पद में अभिकर्मक का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग Y प्लस इलेक्ट्रॉन धनी द्विबंध की ओर आकर्षित होता है और द्विबंध के एक कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। क्योंकि प्रोसेस में एक पाई बंध के टूटकर दो नए सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, अतः प्रथम पद में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और कार्बोकैटायन मध्यवर्ती का निर्माण होता है। दूसरे पद में अभिकर्मक के नाभिक स्नेही W माइनस भाग का कार्बोकैटायन के साथ योग
निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला, यदि अभिकर्मक के इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो तो वह निर्मित मध्यवर्ती कार्बोकैटायन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक साइक्लिक सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के लिए हम एल्कीन पे ब्रोमीन का योग कराते हैं तो कार्बोकैटायन के साथ सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने पर धनावेश ब्रोमीन आयन पर आ जाता है और ब्रोमोनियम आयन बनता है। चूंकि डबली बॉन्डेड कार्बन की संरचना समतल्य त्रिकोणी होती है, प्लेनर ट्रायंगुलर होती है, अतः जब एक ब्रोमीन आयन तल के ऊपर ब्रोमोनियम आयन बनाता है तो दूसरा ब्रोमीन आयन या उसका नाभिक स्नेही भाग तल की दूसरी ओर अर्थात नीचे से ही आक्रमण कर सकता है, जिससे ट्रांस प्रोडक्ट का निर्माण होता है। दूसरा प्रकार है कि जब अभिकर्मक के इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित न हो तो वो साधारण अभिक्रिया की तरह एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। तीसरा, नाभिक स्नेही का योग इस प्रकार से हो सकता है, यदि प्रथम तल में बनने वाला कार्बोकैटायन कम स्थायी हो तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही भी उसे स्थायित्व प्रदान नहीं कर रहा हो तो कार्बोकैटायन में पुनर्विन्यास की प्रक्रिया होकर अधिक स्थायी उत्पाद का निर्माण होता है। ये तो थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया का दूसरा ही प्रकार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।